हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मित्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम बच्चों, और सब बढ़िया हो आप। उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पूर्णतः घर पे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की सेकेंड लहर है तो सेफ ही रहना है भाई। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल रात को ये पेपर एनालिसिस करवा रहा था मैं, तो सडनली क्या है कि वो मौसम ख़राब हो रहा था, तो लाइट और नेट दोनों ही मिस्टेक कर रहे थे। तो लाइट तो थी लेकिन नेट बीच में धोखा दे गया था, बफरिंग करने लग गया था, तो इसलिए मेरे दोस्तों वो क्लास हो नहीं पाई थी आपकी। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को सुबह 10 बजे करवा दें। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? एक बार बता देना, थम्स अप करके बता दो, जुड़ जाओ एक बार, सेशन को शेयर भी कर दो। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों तक? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप जो कल 21 मार्च को दो तीन दिन पहले जो एक पेपर हुआ था, 21 मार्च 2021 को एक एग्जाम हुआ था, और मेरे बच्चों उस एग्जाम में स्टेनोग्राफर में राजस्थान के भूगोल और अपने इंडियन ज्योग्राफी जीके के हिसाब से क्वेश्चन सारे लगभग आपके नोट्स से हैं, सिंपल थे, आपके सामने देखना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। तो जो क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, ये पेपर है स्टेनोग्राफर का, और इस पेपर में क्वेश्चन पूरे लगभग यू के यू क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लगभग पूरे क्वेश्चन यू के यू पूछे हुए हैं। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे मतलब नहीं हो और रेंज से बाहर हो, सारे सवाल पूरे। तो एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दो, फिर अपन शुरू करते हैं। एक मिनट का आपके पास में टाइम है, जिस भी ग्रुप में आप कर सकते हैं कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला, सबका ही भला हो जाए मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? क्वेश्चन है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण कहां पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने कराया है मध्य प्रदेश में। कहां पे है वन्य सागर? मध्य गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है। गुड मॉर्निंग सबको, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? आंसर दो आप साथ के साथ में, आंसर दो। इस पेपर में देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे टेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन है, ऑप्शन तक चेंज नहीं है इसमें, जो टेस्ट लिया था कि इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है, तो खरीफ फसल है बाजरा। कौन सी फसल है? बाजरा। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा। तो इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? तो सही आंसर है बाजरा, बाकी सब रबी की फसल है मेरे मित्रों। तो हाँ बिल्कुल आंसर दो बाजरा, सब बच्चे आंसर करो, देखते हैं देखा आप कितने सही कर सकते हो। बाजरा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जय जिनेंद्र सबको, जिनेंद्र, राधे राधे। बताओ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद, नागपुर। वेरी गुड, सही आंसर है इसका डी, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में ये कहां पे स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है।
बिल्कुल सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर दिया आपने नागपुर महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 28 है, NH 2 है, NH 44 है, NH 4 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर दो, मुझे दिख रहा है मोबाइल में कमेंट चल रहे हैं 44। नवीन ने कहा 44, बिल्कुल सही आंसर है 44। और इसका पूर्व नाम क्या है? 44 का पूर्व नाम, NH 44 का पूर्व नाम, पूर्व नाम है NH 7। NH 44 का पूर्व नाम क्या है? NH 7। समझ में है ना? ये पेपर है स्टेनोग्राफर 2021, 21 मार्च ये स्टेनोग्राफर का पेपर है जो 21 मार्च 2021 को हुआ है, 2021 को हुआ है रविवार को वो पेपर है ये, ठीक है। NH 7 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। आंसर दीजिए क्या आएगा। इनमें से कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। बिल्कुल सही आंसर है गोदावरी। ये प्रायद्वीप की नदी है। ये कहाँ की नदी है? प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप की नदी है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर, 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताओ सब बच्चे, आंसर करो। विश्व पर्यावरण दिवस 5, मोहित कुमार ने जो पहले बोलेगा नाम लिया जाएगा, मोहित ने कहा 5 जून। बिल्कुल सही आंसर है 5 जून, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 5 जून। भाग्यश्री गोविंद, बिल्कुल सही आंसर है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, जयपुर। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, जयपुर। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, जयपुर। सीताराम गोविंद, नहर, संदीप, बिल्कुल सही आंसर है जैसलमेर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने जैसलमेर। भारत का इन ऑप्शनों में सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर, याद रखना है मित्रों, जैसलमेर करेक्ट आंसर है इसका, जैसलमेर, ठीक है, सही आंसर है इसका जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। बताइए निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। राजस्थान, वेरी गुड, सही है ए आंसर इसका, करेक्ट है ए, राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर है मेरे मित्रों ए। यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है?
तो राजस्थान नहीं है। एक सवाल है, एक अनुपात 50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर मानचित्र खींचा गया हो तो इसमें से 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित किया जाएगा। समझ में है ना, तो 50,000। अब यहां पे ये सवाल कार्टोग्राफी का है, बहुत बढ़िया नवीन जी, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल कार्टोग्राफी का है, ये सवाल किसका है, कार्टोग्राफी का। इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे इसमें एक इसका एक कोड होता है, जैसे इसका एक कोड है मिस्टर शर्मा दिल्ली में दावत हंसके लेता है, दिल्ली में दावत हंसके लेता है, ये कोड है दावत हंसके लेता है। ये कार्टोग्राफी ज्योग्राफी का सवाल है। अब ये 50,000, देखो सुनो, यहाँ पे अगर ये 5 लाख होते तो आंसर आ जाता 5 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाता, 5 किलोमीटर आ जाता। समझ में है ना, क्या आ जाता, 5 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, 1000 में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो अब 1000 में 1 किलोमीटर होगा, ठीक है, और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की बात करें तो 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है। समझ में है ना, और ये कितने हैं, 50,000 है, ठीक है। तो आंसर तो इसका बी है, लेकिन इसका तरीका क्या है, ये तरीका मैं अभी आपको इसके बाद में पूरा समझाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने पहली बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नामक शब्द का प्रयोग किया। 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था, 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था, बताओ किसने कहा था। बताओ, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, बी स्मिथ, कर्नल टोड। बिल्कुल सही आंसर है जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जॉर्ज थॉमस। तो 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल सही। अरे राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई, कर्नल टोड नहीं है, कर्नल जेम्स टोड नहीं है भाई, ध्यान रखना है। अरे कर्नल जेम्स टोड नहीं है, जॉर्ज थॉमस आएगा। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने पहली बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना का प्रयोग किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर, दिलवाड़ा, कुंबलगढ़, गुरु सीकर, बताओ क्या आएगा। इनमें से कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अरे सीता शर्मा जी, नाम तो ले लिया, नाम ले लिया, फोन चालू रखना, जब बच्चा कभी भी फोन आ सकता है आपके मोबाइल पे। सीता शर्मा जी, मतलब कई बच्चे तो यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि हमारा नाम ले लिया जाए। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, बिल्कुल सही आंसर है गुरु शिखर, सही आंसर है इसका गुरु शिखर, ध्यान रखना है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण में, संगीत में, राजनीति में, खेलकूद में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण, संगीत, राजनीति, खेलकूद। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है ए, वन्य जीव संरक्षण में। चलो नाम लेने से मोटी बहुत, चलो बहुत बढ़िया है।
मोटिवेशन होते हो तो बहुत बढ़िया है। वन्य जीव संरक्षण, अरे अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब ये प्रश्न मैंने एक टेस्ट में करवा रखे हैं, सारे प्रश्न करा रखे हैं मैंने, और इसमें यहाँ से बस ऑप्शन चेंज कर दिया। अपने में उदयपुर चित्तौड़ टोंक था, इसने जैसलमेर नागौर टोंक दे दिया। तो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम क्या है, इन जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है, इन जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है, बताओ क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, जैसलमेर नागौर और टोंक, बिल्कुल यही क्रम होगा। बिल्कुल एक दो तीन, गोविंद बिल्कुल सही बोला तूने। पार्थ बिल्कुल सही है, एक दो तीन बिल्कुल सही है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं, राजस्थान के किस भाग में तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं, उदयपुर, खेतड़ी, डिडवाना, बीकानेर। तांबे के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने भंडार हैं, उदयपुर, खेतड़ी, डिडवाना, बीकानेर। सही आंसर है खेतड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है खेतड़ी। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने भंडार हैं, खेतड़ी में हैं। कहाँ पे हैं, खेतड़ी में। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सीता शर्मा वेरी गुड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। सही आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा नहीं है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में है, बजाज सागर बांध डूंगरपुर में है, जवाई बांध पाली में है। अब बताओ, बताओ, अब ये प्रश्न विवादित है, ऐसा प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, ऐसा प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि ये विवादित प्रश्न हो गया। वैसे राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, उमेश सागर जोधपुर में है, उमेश सागर बांध कहाँ पे है, जोधपुर में, लेकिन बजाज सागर बांध भी बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है। बजाज सागर भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है, समझ में है ना, और जवाई बांध पाली में है। तो अब इनमें से एक चुनना है आपको, एक चुनना है, ये तो विवादित तो हो गया ना, बजाज सागर बांध, अरे तो उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में नहीं है, उमेश सागर बांध जोधपुर में, कायलाना झील के पास में, उमेश सागर बांध भी जोधपुर में है। तो इसमें देखो, बजाज सागर बांध और उमेश सागर बांध दोनों ही आ रहे हैं। बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में है, जबकि उमेश सागर बांध भी जोधपुर में है। पार्थ, उमेश सागर बांध जोधपुर में है, भीलवाड़ा में थोड़ी है उमेश सागर बांध। अब बताओ इसमें, अब आंसर देखो आप, अब ये कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है। अब यहाँ पे सत्य तो दो ही है, जवाई बांध पाली में, राणा प्रताप चित्तौड़ में, दो गलत है, उमेश सागर जोधपुर में है, बजाज सागर बांसवाड़ा में है। तो ये प्रश्न डिलीट होगा, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, डिलीट होगा, डिलीट की स्थिति में आ जाएगा ये प्रश्न। अब क्या करें तो ठीक है, अब बजाज सागर बांध को इसने डूंगरपुर मान लिया, तो मान लिया। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, राजस्थान के, होएगा विवादित तब, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर।
बिल्कुल सही है, जलोढ़ मृदा भरतपुर में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। तो राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? भरतपुर में। अब सूची एक को सूची दो से मिलाना है, समझ में है ना, सूची एक को सूची दो से मिलाना है आपको। एक तरफ पक्षी है, पक्षी अभ्यारण कहाँ है, बाघ अभ्यारण कहाँ है, काला हिरण अभ्यारण कहाँ पे है, मिलाना है इसको। राजस्थान में पक्षी अभ्यारण कहाँ पे है, राजस्थान में बाघ अभ्यारण कहाँ पे है, काला हिरण अभ्यारण कहाँ पे है। देखो पक्षी अभ्यारण जो आपका है केवला देव, पक्षी अभ्यारण कहाँ पे है, केवला देव में, पक्षी अभ्यारण है केवला देव में। बाघ परियोजना रणथंबोर, काला हिरण ताल छापर चूरू, तो बी सी ए ये आंसर हो गया, बी सी ए आंसर हो गया ये वाला, बी सी ए आंसर हो गया आपका ये वाला, सेट मामला। डी कैसे हो जाएगा, ए बी सी कैसे हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण कहां पे है, राजस्थान में केवला देव, ए में बी, यानि कि एक में बी, एक में बी। फिर बाघ परियोजना रणथंबोर में है, दो में सी, दो में सी, तो सी तो आंसर होगा, सी तो होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, राजस्थान में गेहूं सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, राजस्थान में गेहूं सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, गंगानगर दौसा जयपुर करौली। राजस्थान में गेहूं सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, गेहूं गंगानगर दौसा जयपुर करौली, सही आंसर है गंगानगर। सीता शर्मा सही आंसर दिया, गंगानगर। सबसे ज्यादा गेहूं कहां उगाया जाता है, गंगानगर में, बिल्कुल सही आंसर है गंगानगर। इनमें से कौन सी राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है, पुंगल मगरा चोकला बरबरी, भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, पुंगल मगरा बरबरी चोकला, भेड़ की नस्ल बतानी है आपको, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। बरबरी बकरी की नस्ल है, ये सही आंसर है बी। बरबरी क्या है, बरबरी बकरी है, ध्यान रखना है, बरबरी क्या है, बकरी, बरबरी बकरी है भाई, बरबरी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। अरे मगरा चोकला पुंगल तो है, बरबरी बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं है, बरबरी बकरी की नस्ल है, सही आंसर है सी, सी बरबरी बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, यानी कि राजस्थान का वो कौन सा राज्य है जिसका चंबल परियोजना में हिस्सा है, यानी कि चंबल परियोजना कौन से दो राज्यों की परियोजना है, चंबल परियोजना कौन से दो राज्यों की परियोजना है, गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब। चंबल परियोजना कौन से दो राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर दिया सुनील पारिक ने, बिल्कुल सही आंसर है बी मध्य प्रदेश, सही आंसर है सुनील मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये 50-50 अनुपात की परियोजना है, 50-50 50-50, याद रखना है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 अनुपात वाली परियोजना है, 50-50 वाली परियोजना है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थापित हुआ है, चमड़ा आधारित लघु उद्योग, चमड़ा आधारित लघु उद्योग की स्थापना कहां पे हुई है, चमड़ा आधारित लघु उद्योग की स्थापना कहां पे हुई है, बताओ, कोटा गंगानगर जयपुर जोधपुर पाली अलवर बीकानेर जैसलमेर।
सही आंसर है बी जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर। ध्यान रखना है निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है, जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में, ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कहां पे है? राजस्थान में मिट्टी से मूर्तियां कहां बनती हैं, जिनको टेराकोटा, टेराकोटा से मूर्तियां कहां बनाई जाती हैं? राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? राजस्थान में टेराकोटा से मूर्ति बनाने का केंद्र कहां पे है? अकोला, सापुरा, टाकला, मोलेला, क्या होगा? मोलेला, बिल्कुल सही है। मोलेला गांव की टेराकोटा की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं ये मोलेला गांव की हैं, मोलेला गांव की हैं, याद रखना है। टांकला की नहीं है, मोलेला गांव की हैं। अकोला की रंगाई छपाई है, अकोला की क्या प्रसिद्ध है? रंगाई छपाई, अकोला की रंगाई छपाई प्रसिद्ध है, जबकि मोलेला की मूर्ति प्रसिद्ध है, जबकि मोलेला की क्या प्रसिद्ध है? मूर्ति। और सापरा की फड़ प्रसिद्ध है, सापरा की क्या प्रसिद्ध है? फड़, सापरा की फड़ प्रसिद्ध है, मोलेला की मूर्ति प्रसिद्ध है, अकोला की रंगाई छपाई प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलन है सिवाय, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलन फसल है सिवाय, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। यहां पे आपको रबी की फसल बतानी है, तारामीरा, अलसी, मूंगफली, तुरैया, सरसों, बताइए। राजस्थान की, देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलन है सिवाय, सिवाय किसके, सिवाय किसके? बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, सही आंसर है इसका मूंगफली खरीब की फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीब की फसल है, मूंगफली खरीब की फसल है, मूंगफली कैसी फसल है? खरीब की, याद रखना है मूंगफली, बाकी सब रबी की फसल है, ये सब रबी की फसल है, ध्यान रखना है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? पोखरण जैसलमेर, नोखा जैसलमेर, रावतबाटा कोटा, इनमें से कोई नहीं, बताओ। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? बताओ, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? नोखा, गोविंद बिल्कुल सही आंसर है, नोखा जैसलमेर, नोखा जैसलमेर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नोखा जैसलमेर। जो विद्यार्थी मेरे से लंबे समय से जुड़ के पढ़ रहे हैं उन बच्चों को सबको पता है कि सारे क्वेश्चन नोट्स में हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में हैं, आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएंगे। 2021 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जोधपुर की है, उदयपुर की है, जयपुर की है, जैसलमेर की है, बताओ। 2021 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? बिल्कुल नहार सिंह मीणा, सही आंसर है जयपुर, बिल्कुल सही आंसर है जयपुर। मिस्टर देवासी, बिल्कुल सही आंसर है जयपुर, करेक्ट आंसर है जयपुर। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है? वर्तमान में, ये रात को
शाम को 9 बजे राजस्थान जीके का जब टेस्ट लिया गया था उसमें ये डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योग के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है, बताओ। रिक्को, बिल्कुल सही आंसर है रिक्को, बिल्कुल सही आंसर है रिक्को। वर्तमान में राजस्थान में उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है रिक्को, ध्यान रखना है आपको, रिक्को कराती है। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि राजस्थान का कौन सा पहाड़ी किला ऐसा है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है, चित्तौड़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, क्लास सबके लिए चलती हैं सुरेश, क्लास सबके लिए चलती हैं। तारागढ़ का किला बिल्कुल सही है, तारागढ़ का किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तारागढ़ का किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, दौसा, बूंदी, जैसलमेर, जालौर, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी, बिल्कुल सही आंसर है सीता शर्मा, बूंदी, राजस्थान में बावड़ियों का शहर है बूंदी, करेक्ट आंसर है बूंदी। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, जयपुर में, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है, जयपुर में है मेरे मित्रों, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला है डग, चांदन, नोहर, एक तरफ गाय है राठी, थारपारकर, मालवी, ये गायों की नस्ल है और ये इनके प्रजनन केंद्र हैं, ये प्रजनन केंद्र हैं, राठी गाय, थारपारकर गाय, मालवी गाय, मालवी गाय हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, थारपारकर गाय राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, राठी गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, तो कर दो नोहर राठी है और डग मालवी है और चांदन थारपारकर है, ये लो कर दो सुमेलित, यानी कि ए में सी, ए में एक में सी, दो में बी, दो में बी, ये आ गया आंसर, डी आ गया, डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। बीपीएस के लिए इंडियन ज्योग्राफी चल रही है बच्चा, पढ़ लो आप। ये प्रजनन केंद्र है डग गंगाधर झालावाड़ की तहसील है, चांदन जैसलमेर, नोहर आपके राठी का है, नोहर बादरा। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर। नेपा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारत में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, अखबारी कागज के लिए, नेपा नगर भारत में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, सुरेंद्र जी ने सही आंसर दिया है।
रिंगटोन स्टोर्स कट ऑफ इसकी ज्यादा रहेगी, ये पेपर बहुत सीधा है जीके का। तो ठीक है, हाँ दिनेश अन अकेडमी पर मेरा इंडियन ज्योग्राफी का आरपीएससी की कैटेगरी में है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं उसको। राजस्थान ज्योग्राफी का अन अकेडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होता है, आप अन अकेडमी पे आरपीएससी की कैटेगरी में जाके आप मेरे को फॉलो कर लो, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके राजेंद्र शर्मा को फॉलो कर लो, मेरे द्वारा ली जाने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और क्लास ओपन नहीं होती है, वो कोड मांगता है, तो रेफरल कोड ये राजेंद्र 10 डाल देना, राजेंद्र 10 डालते ही आपकी क्लासें ओपन हो जाएंगी। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है, किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, ये तुम्हारे लिए टफ हो सकता है। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है, इंटरमीडिएट रॉक्स, मध्य सिलिका सेल, अधि सिलिका सेल एसिड जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, बेसिक, तो इसका सही आंसर है इंटरमीडिएट रॉक्स यानी कि मध्य सिलिका सेल, इनमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है, ए इसका सही आंसर है ए। ये आपके स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछे हैं राजस्थान जीके और राजस्थान भूगोल के, जिसमें से है ना एक सवाल ऐसा नहीं है जो बार गया हो, और आगे भी उम्मीद यही करता हूं मैं आप लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे पीएसआई हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, समझ में है ना, कोई सा भी एग्जाम आपके लिए हो, जो पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप होनी चाहिए सबके में, आप प्रोफाइल को फॉलो कर लो, 5 बजे राजस्थान का टेस्ट होता है डिटेल से अच्छे से, और यहाँ भी मैंने खूब टेस्ट लिए हैं, तो बच्चों आप उसको फॉलो करो, आपको बेनिफिट मिलेगा 100%।